और जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है एवरेस्ट बेस कैंप की, क्योंकि 25 तारीख को जब भूकंप आया था उस वक्त NDTV की टीम वहां पर मौजूद थी। आमिर पीरजादा जो कि वहां पर थे, NDTV की टीम आर्मी के साथ एक्सपेडिशन पे निकलने वाली थी एवरेस्ट को साफ करने के लिए जी। और उस वक्त जब ये भूकंप आया था बेस कैंप थी, और आप देखेंगे तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और किस तरीके से छोटे छोटे एवलांश आते हैं, बड़े एवलांश आते हैं, और क्या बताया जा रहा है, पूरी कहानी आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। देखिए ये जो तस्वीरें हैं कि जब एवलांस आया यानी कि हिमस्खलन आने के बाद की ये तस्वीरें हैं, बुझाने के बाद किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, हेलीकॉप्टर के जरिए जो घायल हुए थे उनको ले जाया गया। कुछ तस्वीरें कल भी हमें दिखे थे जी, जो एवरेस्ट से आने, एवरेस्ट से जो 200 से ज़्यादा पर्वतारोही वहाँ पर अटक गए थे और कुछ डेड बॉडी भी लेके आए गए हैं। करीबन 22 लोगों की मौत हुई है, हो चुकी है। पर्वतारोही काफ़ी वहाँ पर अभी भी लापता हैं, उनका कुछ पता नहीं चला है। धीरे धीरे सारे देशों के टीम वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि कुछ निकाल के उनको लाया जा सकता है। ये है एवरेस्ट बेस कैंप की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सिर्फ NDTV इंडिया के पास है, और ये इसलिए हमारे पास है क्योंकि उस टाइम पर हमारी टीम, राजेश सोलंकी कैमरा पर्सन और आमिर पीरजादा रिपोर्टर, दोनों वहीं पर थे, एवरेस्ट को साफ करने के लिए गए थे। और आप देखिए हेलीकॉप्टर से कुछ तस्वीरें, छोटे छोटे जो कैंप बने हुए हैं, छोटे छोटे टेंट बने हुए हैं, ये बेस पर, एवरेस्ट का जो बेस है जी, वहाँ पर बेस कैंप जिसको कहते हैं, वहाँ पर जैसे कल सुशील बहुगुणा बता रहे थे हम लोगों को कि इस टाइम पर अमित बेस कैंप पे लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि एक्लेमेटाइज करना पड़ता है। एक्लेमेटाइज का मतलब है कि आप जानते हैं जितना आप ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन कम होता जाता है, ऑक्सीजन के अभाव से बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर ऑक्सीजन कम होता है, तो अचानक अगर ऐसा हो तो क्रैम्प हो सकता है, ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है, आदमी की मौत भी हो सकती है। इसलिए धीरे धीरे सबसे पहले बेस कैंप पे जाके एक्लेमेटाइज किया जाता है, छोटे छोटे ट्रिप ऊपर मारे जाते हैं धीरे धीरे, और फिर मई में जाकर आप देखेंगे, और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, एवरेस्ट बेस कैंप की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, और जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आमिर पीरजादा और राजेश सोलंकी दोनों हमारे टीम NDTV की उस जगह पे मौजूद थी। ये तस्वीरें माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से ये हेलीकॉप्टर उड़ी है और वहीं पर ढूंढ कर लोगों को लाने की कोशिश कर रही है। और आमिर की जुबानी सुन लेते हैं, उन्होंने क्या वहाँ पर महसूस किया। अभी हम एवरेस्ट बेस कैंप पे हैं और आप देख सकते हैं चारों ओर टूटे टेंट, डिब्रीज, कुछ नहीं बचा। पहले दो दिन, तीन दिन पहले ये सारा एक अच्छा सेटअप था, कलरफुल टेंट्स थे, बट एवलांच एंड अर्थक्वेक ने पूरे बेस कैंप को तहस नहस कर दिया। हमारे पास इतने कैजुअलिटीज, चारों ओर आप खून दिखा, लोग मरते हुए, भागते हुए, शेरबाज पहले जो यहाँ पे सब कुछ करने वाले थे अभी वही यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। और हम इस टाइम है इंडियन आर्मी एक्सपीडिशन के टीम लीडर के साथ, मिस्टर विजय रणवीर सिंह जम्वाल के साथ, जो हमें बताएंगे इसका पूरे सिनेरियो का, अभी करंट सिचुएशन क्या है सर। अभी करंट सिचुएशन इस बेस कैंप में क्या है सर? आमिर, अभी करंट सिचुएशन तो ये है कि काफ़ी टीम्स तो मिसिंग हैं, और जो बच गए थे किसी कैंप्स में वो यहाँ से नीचे गोरक्षी की तरफ जा चुके हैं। प्रॉबली इंडियन आर्मी टीम, सेवन समिट्स, एशियन ट्रैकिंग, IMG, शायद 5-6 बड़ी बड़ी टीमों को छोड़ के कोई और टीम यहाँ पे नहीं है, उनके एक एक नुमाइंदा है यहाँ पे, बाकी सब टीम यहाँ से जा चुकी है। उसका सबसे बड़ा कारण ये था, हर रोज़ इस बात का ये आना कि अर्थक्वेक फिर आएगा, अर्थक्वेक फिर आएगा, उससे एक मन में डर बैठ गया सबके, जिसके कारण सबके सब नीचे भागने को उतारू हो गए। हम अपनी बात करें तो जब हम ऑब्वियसली दो दिन पहले नीचे आए थे, हम तो खुद एवलांच से बच के आए थे, और जब हम नीचे पहुँचे तो हमने देखा सब सफा है, कुछ नहीं बचा है, हमारा खुद का कुछ नहीं बचा था। हमारी बगल में HRA है, वहाँ पे कैजुअलिटीज़ लगातार आना शुरू हो रही थी। उस वक्त हम इतना ही कर सकते थे कि हमने अपने आप को दो टीमों में बांटा। मैंने एक डॉक्टर की टीम बनाई जो उसके साथ 8 बंदे और बांटे, और बाकी टीमों को मैंने अपनी टीम को अपना सामान ढूंढने के लिए लगाया, जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज हमारा सब कुछ उठ चुका था। किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बेस कैंप के अंदर वो भी पुमोरी से ऐसा अवलांच आएगा जो बेस कैंप को उड़ा के ले जाएगा।
हमारा सामान खुला पड़ा हुआ था, हमारा सभी पूरी टीम का, हम 22 जने ऊपर थे, पूरी टीम का हमारा सामान खुला पड़ा हुआ था और सारे का सारा सामान उड़ गया, पासपोर्ट्स, घड़ियाँ, जूते, हम जो बड़े जूतों में थे हम उसी में रह गए, जो हमने ड्रेस लगाया था हम उसी ड्रेस में रह गए, स्लीपिंग बैग सब उड़ गए, हम गीले स्लीपिंग बैग उठा के ला रहे हैं, उनको टीम में इस पर बांटा, वो अपना सामान ढूंढने में लगे, दूसरी टीम रेस्क्यू के लिए लगी, मैं जहाँ डॉक्टर लगे, यहाँ पे कैप्टन पी के राय और मेजर ऑक्टर ने मोर्चा संभाला और उन्होंने अपना सामान ढूंढने की तैयारी की, जिसमें हमें 2 दिन लगे, पिछला कल और उससे पिछले 2 दिन हमें लगे उन सामान को ढूंढने में, 70% हमें सक्सेसफुल मिली। और एज फार एज रेस्क्यूज आज कंसर्न, खुशी सिर्फ इसी बात की हमें कि हम कुछ एटलीस्ट योगदान दे सके अपनी तरफ से, मेडिसिन हमारे पास बहुत थी, इनफैक्ट आचार्य से भी ज़्यादा मेडिसिन हमारे पास थी, डॉक्टर हमारे पास बहुत काबिल डॉक्टर है और उन्होंने बहुत हेल्प की पूरी रात, इनफैक्ट डॉक्टर हमारा उनके साथ रहा, वो हेड इंजरी डिपार्टमेंट संभाल रहा था, जो बहुत एक मेन डिपार्टमेंट था जो यहाँ पे, जब हमने नीचे इन्होंने एक छोटा सा एक सर्वाइवल और यहाँ बोलेगी फील्ड हॉस्पिटल तरह का इन्होंने बनाया, मेडिसिन और राशन जो हमें हेल्प कर सकते थे हमने सारा अपना ड्राई राशन, जूसेस, बिस्किट, जितना हमारे से हो सका हमने वो सारा उठा के वहाँ पे रखा, एंड वी एंश्योर्ड दैट अगर कोई हंगरी या कोई भूखा या कोई कुछ वहाँ से निकल रहा तो हम उनको वो खिला सकें, हम अपनी तरफ से एज इंडियन आर्मी, एज इंडियन दिस थिंग, हम उनकी मदद कर सकें। सर अभी इंडियन आर्मी आए थे, अभी आप हमारा फ्यूचर प्लान क्या है, लाइक अभी हम देख रहे हैं हर मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद कहीं यहाँ से एवलॉन्च आ रहे हैं, यहाँ से एवलॉन्च आ रहे हैं, अभी आपका प्लानिंग क्या है? देखिए एज इंडियन आर्मी हमारी कुछ ड्रिल्स हैं और ड्रिल्स हमारी ये हैं कि एवलांचेज आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, रात को 3 बार भी एवलांच दोबारा आए थे, प्रॉब्ली दे से कि एक बार शायद अर्थ को एक आया है जिसके कारण 3 बार एवलांचेज आए हैं। हमारी ड्रिल्स सेटअप हैं, हमने 4 संतरी रात को लगाए हुए हैं, अभी भी हमारे संतरी आप देख सकते हैं, 2 वहाँ पर खड़े हैं, 2 लड़के वहाँ पर खड़े हैं और एक हमारा यहाँ पर खड़ा है, हमने ये संतरी यहाँ पर लगाए हुए हैं, अगर कोई ऐसी आवाज़ आती है तीनों तरफ, आप पुमोरी की बात कर सकते हैं, आप लोला की बात कर सकते हैं या आप नुपसे की बात कर सकते हैं, जिस तरफ से भी अवलांच आएगा ये लड़के हमें सावधान करेंगे उसके लिए, इसलिए हमने ये ड्रिल हमने परसों से ये ड्रिल अप्लाई हुई है और जैसे आज रात को हम तकरीबन 4 बार उठे तो हमने रखे हैं, जैसे गुरखाली में हम बोलते हैं सानो मीन्स छोटा और ठुल्लो मीन्स बड़ा, तो जैसे ही वो एवलांच आएगा वो लड़का हमें उसी वक्त बताता है कि सानो मीन्स देन वी डोंट हैव टू वरी, ठुल्लो मीन्स देन जूता अपना पहनो और भागो बाहर की तरफ। हमने ड्रिल सेट किया है, एक छोटा सा किचन टेंट है शेरपाओं का, उस किचन टेंट को हम अगर नुपसे की तरफ अपना पुमोरी की तरफ से आता है हम उस टेंट में जाएंगे और अगर गलती से नुपसे की तरफ से आता है तो हम ये पीछे टेकरी है हम उसकी तरफ जाके छिपेंगे। ये हमने ड्रिल्स अपनी सेटअप की हुई हैं और एज इंडियन आर्मी हम सबसे लास्ट और सबसे लास्ट हमारा बंदा होगा यहाँ से निकलने वाला। आगे देखते हैं अभी क्या प्लान आगे 3-4 दिनों में बन रहा है। अभी जो बाकी टीम्स है यहाँ पे वो अभी जा रही है या आप प्लानिंग टू स्टे हियर? एक्चुअली काफ़ी टीम्स जा चुकी हैं, अगर मैं बात करूँ तकरीबन रफ फिगर अगर मैं बात करूँ तकरीबन अगर 30 टीमों की बात करूँ 30 टीमों में से तकरीबन 17-18 टीमें यहाँ से निकल चुकी हैं, या गोरखशेम या लोबूचे या फेरीचे वो यहाँ से नीचे जा चुकी हैं, 70-80% शेरपा यहाँ से मूव कर चुके हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि उनके खुद के घर भी टूट गए, मुझे नहीं लगता कि अभी वो वापस आएंगे। उससे सबसे बड़ी चीज़ SPCC जब हम बोलते हैं आइसफॉल डॉक्टर्स, SPCC का कोई नुमाइंदा यहाँ पे नहीं है और आइसफॉल डॉक्टर्स जो इस एरिया में कैंप वन बेस कैंप से कैंप वन में जो रो फिक्स करेंगे एक भी नुमाइंदा उनका यहाँ नहीं है। सुनने में ये आया था कि उनके 1 या 2 बंदों की कैजुअल्टी हुई है नॉन फैट, एक का शायद शोल्डर डिस्प्लेट हुआ है या कुछ लगी है, इसके कारण वो भी सारे यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। कंडीशन इज़ वेरी क्रिटिकल, कैंप वन और कैंप टू के बीच में नुपसे फेस से एक एवलांच बहुत बड़ा एवलांच कल आ चुका है जिससे कैंप वन और कैंप टू भी कट चुका है। कहना बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई शेरपा भी वापस आएगा और कोई इस पर अभी रो फिक्स करना चाहेगा। मैं आमिर रफीक एवरेस्ट बेस कैंप से, कैमरा पर्सन राकेश सोलंकी के साथ एवरेस्ट बेस कैंप से।